हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और उसमें ज्यादातर खबरें वो हैं जो आपकी जानकारी को दुरुस्त करेगी। देखिए, देश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत आज से होने वाली है तो बहुत सारे जिलों में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें देखिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरीके के तमाम एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो हम अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं कि कौन से इलाकों में क्या रियायतें मिलेंगी, कहां छूट मिलेगी, कहां छूट नहीं मिलेगी, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो रेड जोन में 130 जिलों को रखा गया है जो कि रेड जोन है, ये आपको हम समझा रहे हैं आप समझ सके। ऑरेंज जोन में 284 जिलों को रखा गया है और इसके अलावा जान लीजिए कि ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। तो इन हिसाब से जो रेड है, जो ऑरेंज है, जो ग्रीन है, अलग अलग तरह की रियायतें यहां दी गई हैं। कुछ में छूट है, कुछ में बिल्कुल छूट नहीं है। और इसके अलावा आप ये जान लीजिए, जो रेड जोन है उसमें मुंबई, पुणे, दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, आगरा, लखनऊ, नोएडा, कोलकाता, ये वो तमाम इलाके कह लीजिए, शहर कह लीजिए, बड़े बड़े देश के जो रेड जोन में शामिल हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इससे आप समझ सकेंगे कौन कौन से एरिया रेड जोन में है और बहुत सारे एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है अलग अलग एरियाज में। तो विकास, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे कि और बाकी इलाके कौन कौन से जोन। देखिए, बहुत अहम जानकारी दी है और रेड जोन वो जोन है जहां पर पिछले 21 दिनों में भी लगातार केसेस कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं और इस वजह से इन इलाकों को, इन जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। हम आपको ऑरेंज और ग्रीन जोन बता देते हैं कौन कौन से जिले हैं। ये देखिए, ऑरेंज जोन देहरादून, गोरखपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पठानकोट, कोरापुट, गुरुग्राम, राजकोट, सिवान और तिरुचिरापल्ली, ये वो इलाके हैं जो ऑरेंज जोन में है और यहाँ पर 10 से कम केसेस अभी तक बने हुए हैं। अब ग्रीन जोन आपको बता देते हैं, यहाँ पिछले 21 दिनों में कोई भी केस नहीं आया या फिर अभी तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने ही नहीं आया, ऐसे जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। ऐसे राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, शिमला, रेवाड़ी, पोरबंदर, मुजफ्फरपुर, दुर्ग, पूंछ, हसन, शिवमोगा, रीवा, गोवा, सिक्किम, ये वो प्रदेश और जिले हैं जो कि ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन चार राज्यों में पिछले 21 दिनों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। तो देखिए, इस तरह से ये जो जोन है ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और यहाँ पर बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। जिलों की सीमा के भीतर भी ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो गया है। तो अब आपको कुमकुम बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला कैसे कोरोना संक्रमण काल में बेहतरीन साबित हुआ है। विकास और प्रतिमा ने आपको आपके राज्य, आपके शहर का हाल बताया कि वो ऑरेंज जोन में आ रहा है कि ग्रीन जोन में आ रहा है कि रेड जोन में आ रहा है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं लॉकडाउन के, इससे पहले हमारे हासिल क्या है, तो हमने पाया क्या पहले और तीसरे लॉकडाउन के बीच का अंतर समझिए। 25 मार्च तक लॉकडाउन शुरू हुआ, 562 कुल केस थे, 9 मौत हुई थी देश भर में और 41 लोग ठीक हो गए थे। दूसरा लॉकडाउन हुआ कब, 14 अप्रैल को, 10,363 केस आ चुके थे, मौत का आंकड़ा आपके सामने है, वहीं 1,036 लोग ठीक हो चुके थे। देखिए, मौत का आंकड़ा और ठीक होने का आंकड़े में जमीन आसमान का फर्क है, यही हमारा हासिल है पहले, दूसरे, तीसरे और आज से, यानी कि हालांकि कल की तारीख इसमें मुकर्रर की गई लेकिन सोमवार का दिन है इसलिए मैं आज से इसको बोल रही हूं, लॉकडाउन 2.0 खत्म हुआ 3 मई, यानी कि कल और आज से शुरू हुआ तीसरा चरण। 40,263 केस कुल मिलाकर आ चुके हैं, 1,306 मौत हो चुकी हैं और 10,886 लोग ठीक हो चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के स्रोत से जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है ना इस पे देखने वाला, वो है ठीक हुए और मौत के मरीजों का आंकड़ा। डबलिंग रेट देखिए, 25 मार्च को था 5.2 दिन में, 8.6 दिन में और फिर 3 मई को आते आते करीब करीब 12 दिन का 11.7, मतलब कि 5 से आगे जब पॉइंट के बाद निकल जाता है तो आप उसको नेक्स्ट में भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, डबलिंग रेट कितना कितना हमने इसमें प्रगति की है, जहां डबलिंग रेट पहले 5.2 दिन में हो रहा था, कल तक के डबलिंग रेट 11.7 में हो गया। मृत्यु दर में भी देखिए जबरदस्त यहाँ पर जो हमने प्रोग्रेस की है, 1.5 पहले था उसको हम
3.2 में लेकर आए, फिर हम 3.2 में ही है, चलिए कोई बात नहीं। रिकवरी रेट यानी कि ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा तो जबरदस्त प्रगति कर गया, 6.5 से हमने शुरुआत की थी 25 मार्च के पहले लॉकडाउन में, और आखिर में आते आते कल तक हम पहुंच गए 26.5 में, यानी कि 3 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हमने की है पहले दूसरे तीसरे लॉकडाउन में प्रवेश करते करते ठीक हुए मरीजों की संख्या में। वहीं कुल जांच आप जान लीजिए, इसको लेकर बहुत खासतौर पर भारत सरकार की आलोचना हुई कि जांच बहुत कम हो रही है, तो हमने 2 दिन पहले ही 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, आईसीएमआर के सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि आईसीएमआर पहले ही कह चुका है कि रैंडम सैंपलिंग में भी हमने ये पाया है कि 24 लोगों का हम जांच लेते हैं तो उसमें से एक पॉजिटिव निकलता है। हालांकि राज्य और जिलों के हिसाब से ये चीजें डिफर करती हैं, अलग होती हैं। देखिए हमने आज जानकारी का जखीरा आपके लिए तैयार किया है कि हफ्ते के पहले दिन आप रहे तैयार, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो जानना जरूरी है कि आज से क्या खुलेगा और क्या बंद है। देखिए लॉकडाउन 3 में आज से हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि किस जोन में क्या कुछ खुलने वाला है, क्या कुछ रियायतें मिलेंगी। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए सुबह सुबह हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कौन से इलाकों में क्या कुछ खुलेगा। आप देखिए रेड जोन में दवा और दूध आपको मिलेगा, ऑरेंज जोन में भी मिलेगा, ग्रीन जोन में भी मिलेगा। छोटी दुकानें रेड जोन में खुलेंगी, ऑरेंज जोन में खुलेंगी, ग्रीन जोन में खुलेंगी। मॉल बाजार रेड और ऑरेंज जोन में बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ग्रीन जोन में भी नहीं खुलेंगे। सैलून की बात करें तो ये रेड जोन में नहीं खुलेंगे लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलेंगे। शराब की दुकानें तीनों जोन में खुली रहेंगी। सिनेमा और जिम तीनों जोन में बंद रहेंगे। तो ये वो जरूरी चीजें जिस पर लोगों को क्लैरिटी चाहिए। लेकिन शराब की दुकानों को लेकर आपको बता दें, शराब की दुकान और सैलून की जो दुकान है ये इसको लेकर कुछ शर्तें दी गई हैं, कुछ शर्तों के साथ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और कुछ शर्तें तय की गई हैं, उसके हिसाब से ही इस पर आपको जाने आने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज तीनों जोन में बंद रहने वाले हैं। बस जो है वो रेड जोन में नहीं चलेंगी, ऑरेंज और ग्रीन जोन में चलेंगी। ट्रेन फ्लाइट तीनों जोन में बंद है। टैक्सी कैब जो है रेड जोन में बंद है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में चलेंगे। कार जो है उसमें तीनों जोन में इजाजत दी गई है। बसेस जो अलाउ की गई, आपको बता दें 2 जोन्स में यानी ऑरेंज और रेड में, वहां पर 50 से ज्यादा यात्री एक बस में नहीं होंगे। टू व्हीलर्स की जहां तक बात है वो यहां पर तीनों जोन में खुले हुए हैं। कार्स को लेकर लेकिन ये नियम पहले दिन से तय कर दिया गया है कि कार में एक व्यक्ति आगे की सीट पर होगा और एक व्यक्ति पीछे की सीट पर, इस बात का ख्याल जरूर रखना है आपको। इसके अलावा देख लीजिए ई कॉमर्स कंपनी तीनों जोन्स में खुली रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस में 33% स्टाफ के साथ तीनों जगह खुले रहने की अनुमति दी गई है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को तीनों जगह पर अनुमति दी गई है। गांव में जो इंडस्ट्रियल काम चल रहा है तीनों जोन्स में उसको अनुमति मिली है। मनरेगा का काम भी तीनों जोन्स में चलता रहेगा। ईंट के भट्टे भी तीनों जोन्स में चलते रहेंगे। तो ये तमाम इजाजत दी गई है इन कंपनीज को, इन इंडस्ट्रीज को, इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को, ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। तो बहुत सारी रियायतें लॉकडाउन 3 में लोगों को मिली है। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन था तो उम्मीद करते हैं इसके जरिए दूर जरूर हुआ होगा। देखिए बहुत अहम जानकारी दी आपको प्रतिमा ने, आपको अब पूरा रक्षा खाका रख दिया आपके सामने। आप रेड जोन में हैं तो आपको क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, आप ग्रीन जोन में हैं तो आपको क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, आपके मूवमेंट भी जिले के भीतर हो सकते हैं, और अगर आप ऑरेंज जोन में हैं तो सीमित शर्तों के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। जी तो देखिए अब गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, टेक्निकल भाषा होती है, हमने आसान भाषा में बता दिया। विकास चलिए अब आपको आंकड़ा दिखा देते हैं, देश दुनिया का आंकड़ा कि कोरोना संक्रमण के कितने मामले अब तक सामने आए हैं। पूरी दुनिया में 32 लाख से ज्यादा मामले जो है अब तक सामने आ चुके हैं, और ये देखिए दुनिया का नक्शा आपके सामने। सबसे पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं, 11,87,233 केस अब तक सामने आ चुके हैं, 68,566 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में देखिए 2,47,122 केस सामने आए हैं, 25,264 लोगों की मौत हो चुकी है, जबरदस्त तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। इटली में 2,10,717 केस सामने आए हैं और 28,884 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए आपको सबसे ज़्यादा अमेरिका के बाद प्रभावित वाला इलाका इटली है। केस जो है फ्रांस में वो 1,68,693 हैं और 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,65,664 केस हैं और 6,866 मौतें हुई हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोल काबू किया है जर्मनी ने मौत के आंकड़े को। केस देखिए ब्रिटेन में 1,86,599 केस हैं और 28,446 मौतें हो चुकी हैं। सबसे तेजी से पिछले 20 दिनों में ब्रिटेन में राइज हुआ केसेस का। भारत में 40,263 मामले हैं और 1,306 मौतें हो चुकी हैं। मौत के आंकड़े को भी भारत ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काबू में किया हुआ है। तो ये देखिए हमने आपको
ये देखिए, हमने आपको देश दुनिया का आंकड़ा दिखाया है किस तरह से कोरोना काल में संक्रमण जो है अभी भी पूरी दुनिया को जकड़े हुए। देखिए, इन सब के बीच आज से हमारा तीसरा लॉकडाउन, यानी कि हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप जानते हैं MHA यानी कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद आज सुबह से तमाम दफ्तर खुलेंगे, तमाम ऑफिस खुलेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस की अपील है कि पुलिस पिकेट पर आप कोऑपरेट करें, सहयोग करें। कैसे? अपना आई कार्ड आपको पहले ही दिखा देना है और लॉकडाउन का पालन करना है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आप उलझेंगे नहीं पुलिस से, पुलिस को आसानी होगी, दूसरा जो पीछे लाइन लगी है ना उसको आराम मिलेगा, तो जल्दी जल्दी आप पिकेट से निकल पाएंगे। जो दिल्ली है वो रेड जोन में है और इसमें जिनको भी रिलैक्सेशन दी गई है वो ये इंश्योर करें कि उनके पास ऑफिशियल आईडी होना चाहिए, वो जिस काम के लिए रिलैक्सेशन है उसको प्रूव कर पाएँ, और जो भी हमारी टिकट्स लगी हुई है वहाँ अपना आई कार्ड शो करें। और इसके साथ साथ जिनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी उनसे तमाम से अपील है कि आप लॉकडाउन में जैसे पहले दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहें। घर वापसी का घमासान, यही है हमारी अगली खबर, अहम खबर। लॉकडाउन में छूट के बाद दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र से रविवार को यूपी और राजस्थान के लिए मजदूरों के एक जत्थे को रवाना किया गया, लेकिन नागपुर से लौट रहे लोगों का दावा है, उनका दावा है कि उनसे टिकट के लिए पैसे वसूले गए हैं। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन में खाने के लिए मोहताज मजदूरों से टिकट वसूले गए तो क्यों? तालियों के बीच 977 प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हो रही ये ट्रेन नागपुर लखनऊ स्पेशल है। घर लौट रहे मजदूरों ने भी ट्रेन की खिड़कियों से हाथ हिलाकर रेलवे कर्मचारियों और पुलिस वालों का धन्यवाद दिया। घर वापसी की इन्हें खुशी तो है, लेकिन संकट की इस घड़ी में भी टिकट के पैसे इन्हें ही देने पड़े। मेरे को यहाँ पे 32 दिन रखा गया था क्वारंटाइन में, के बरदा जिले में न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे से रखा गया। फिर मेरे को पता चला कि आप जा सकते हो, हमारा पूरा मेडिकल हुआ था और सर्टिफिकेट भी दिया गया और टिकट के पैसे भी लिए गए। मजदूरों से किराए वसूले जाने पर जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने दोष केंद्र पर मर दिया। कुल मिलाकर 977 यात्री इसमें प्रवास कर रहे हैं, जिसका टिकट का दाम सरकार ने 505 रुपया रखा था। सही मायने में देखा जाए तो सरकार ने पीएम केयर रिलीफ फंड से इसकी सुविधा करनी चाहिए थी और फ्री ऑफ कॉस्ट ये श्रमिकों को उनके गांव तक पहुंचाने का व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने वो व्यवस्था की नहीं है। घर लौटने से पहले नागपुर स्टेशन पर सभी पैसेंजर को भोजन और पानी के बोतल दिए गए। महाराष्ट्र से यूपी लौट रहे कन्नौज के रहने वाले बबलू गुप्ता से सुनिए लॉकडाउन में कैसे वो परेशानी में जी रहे थे। यहाँ पे बहुत दिक्कत थी रहने की, खाने की, तो इसलिए गांव जाने के लिए अच्छा ही है हमारे लिए, माँ बाप वहाँ पड़े हैं। कुछ व्यवस्था नहीं थी हमारे को, तो कुछ भी हम अपने तरफ से जो भी लाते थे खाते थे, वो अपने तरफ से घर से पैसे बुलाते थे वही खाते थे, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। और अभी यहाँ नागपुर आए हैं तो गाड़ी करके आए, हमारे को कोई व्यवस्था नहीं। मुंबई से राजस्थान के लिए एक बस भी रवाना की गई। CST से 25 मजदूरों को उनके घर भेजा गया। बहुत खुश है सर, हम बहुत खुश है, हमको राजस्थान जाने को मिल रहा है, शुक्रगुजार है उनका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद उनका। हम लोग यहाँ 40 दिन से घर पे रह रहे हैं, हम लोग इधर खाने पीने का मंदिर था, आज उन्होंने हमारी मदद किया, जाने के गांव जाने का परमिशन, राजस्थान जाने का परमिशन दिया उन्होंने, इनका हम लोग खुद शुक्र आजार है, उन्होंने आज जाने का हमारा परमिशन दिया सर, धन्यवाद सर। मजदूरों को घर भेजने से पहले उनकी पूरी जाँच की गयी। लॉकडाउन की इस घड़ी में दूसरी जगहों पर फंसे हजारों लोग घर लौट रहे हैं।
और इसीलिए घर वापसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सामान्य तौर पर कहीं रह रहे हैं लेकिन वो भी अपने गृह जिले अब लौटना चाहते हैं। देखिए, घर वापसी के नियमों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखी है। क्या है इस चिट्ठी में, यह हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ इस तरफ लिखा गया है। देखिए, लॉकडाउन की इस घड़ी में दूसरे जगहों पर फंसे हजारों लोग घर वापसी करना चाह रहे हैं, तो चिट्ठी में क्या लिखा गया है। गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल और 1 मई के आदेश में जिन प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालु, पर्यटक, छात्रों और दूसरे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात कही है उनमें वो लोग शामिल हैं जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। स्थायी तौर पर नौकरी करने वाले मजदूर जो सामान्य वजहों से लौटना चाहते हैं वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि आदेश के मुताबिक लोगों को अनुमति दें। ये अजय भल्ला गृह सचिव है जिनकी चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे हैं। अब मेरे सहयोगी विकास आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए कि कैसे श्रद्धालु संकट की वजह से पंजाब में कोरोना का अचानक ही विस्फोट हो गया। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए हम दिखा देते हैं कि कहां पर कितने मरीज जो है कोरोना संक्रमण के सामने आ गए हैं और केवल इस वजह से क्योंकि संगत के लोग लौटकर पंजाब आए। और ये देखिए पंजाब के अलग अलग जिलों में कितने लोग पहुंचे हैं, अब तक 633 लोग पहुंच चुके हैं। पंजाब में कोरोना संकट की वजह से कुल संक्रमित मामले 1076 हैं। श्रद्धालु संक्रमित होकर जो अब पंजाब पहुंचे वो 633 हैं और इसमें से ठीक हो चुके मरीजों की तादाद 112 है। और ये जो श्रद्धालु हैं ये 22 में से जो पंजाब के अलग अलग जिले हैं उसमें से 16 जिलों में फैल चुके हैं। अमृतसर में 199 सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण में सामने आए हैं। होशियारपुर में 77 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। लुधियाना में 56, नवाशहर में 63, मुक्तसर में 43 और बठिंडा में 35 कोरोना संक्रमित श्रद्धालु सामने आए। मोहाली में 21, गुरदासपुर में 28, पटियाला में 27, फिरोजपुर में 19, मोगा में 19 और तरन तारण में 15 श्रद्धालु कोरोना संक्रमण से के सामने आए हैं। कपूरथला में 11, फतेहपुर साहिब में 6, फजलका में 4 और फिरोजपुर में 19, फरीदकोट में 3, संगरूर में 3, रोपड़ में 2 और जालंधर में 2 कोरोना संक्रमित श्रद्धालु सामने आए हैं। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से जमात के बाद एक जो श्रद्धालु हैं वो अब पंजाब में संक्रमण बांट रहे हैं। जमात ने पूरे देश में बांटा और संगत जो है वो केवल पंजाब में संक्रमण बांट रही है। अगली खबर बहुत अहम खबर, शौर्य को सम्मान, हौसले को सलाम। योद्धाओं को सम्मान देना कोई भारतीय सेना से सीखे, योद्धा चाहे वो देश की सुरक्षा में लगे हों या महामारी से लड़ रहे हों। देखिए ये सम्मान कल सेना ने किया, फ्लाईपास्ट भी किया। सेना ने रविवार को एक तरफ अपने शहीदों को आखिरी सलामी दी तो कोरोना योद्धाओं को भी अनूठे अंदाज में सलामी दी। इसीलिए इस खबर को नाम देखिए कितना अलहदा दिया है हमने, शौर्य को सम्मान, हौसलों को सलामी। एक तरफ शहीदों को फूल चढ़ाकर उनके शौर्य को सम्मान किया, वहीं कोरोना वॉरियर्स के लिए आसमान से फूल बरसाए गए। ये बलिदान का सम्मान है, ये हौसले का सम्मान है, ये साहस का सम्मान है। सेना के लिए इन पलों की अहमियत कुछ अलग रही। एक तरफ देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों को सलामी दी, दूसरी तरफ कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं को भी सलामी दी, वो भी एक ही वक्त पर। फूल उनके सम्मान में भी अर्पित हुए जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में देश के नाम सबसे बड़ी कुर्बानी दी। तो आसमान से फूल उन योद्धाओं पर भी बरसाए गए जो कोरोना महामारी से देश को बचा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना के लिए ये पल गर्व के थे, सम्मान के थे, हौसले के थे। एक अनदेखे दुश्मन से लड़ रहे जाबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंग अपने अपने अंदाज में सलामी देने आए। कहीं आसमान से जेट विमानों ने फ्लाई पास किया, हेलीकॉप्टरों ने फूल बरसाए, तो समंदर के लहरों के बीच जंगी जहाज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जगमग हो गए। ये सब कुछ ऐसी दुख की घड़ी में हुआ जब जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक परिवार को बचाने की खातिर सेना ने अपने 5 जाबाज योद्धाओं को खोया। इनमें एक कर्नल था, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी था। लेकिन सेना ने सबको सलामी दी। हंदवाड़ा में देश के दुश्मनों से लड़कर शहीद होने वाले जाबाजों को भी और कोरोना नाम के अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे जाबाजों को भी। एबीपी न्यूज भी ऐसे शहीदों को सलाम करता है। ऐसे ही शहीद की कहानी आपको दिखा देते हैं। आप अपने जिन
जाबाजों के शौर्य को सेना ने सलाम किया, उनमें शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा भी थे। कर्नल आशुतोष शर्मा हंदवाड़ा के सैन्य ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। वो अपनी यूनिट में टाइगर के नाम से जाने जाते थे। जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये देखिए और समझिए कैसे एक फौजी का परिवार भी उस फौजी की तरह मानसिक रूप से कितना मजबूत हो जाता है। शहीद कर्नल का परिवार उसकी एक मिसाल। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए ये नारे लग रहे हैं उनके अपने गांव में, यूपी के बुलंदशहर में। भारत माता की जय। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा बुलंदशहर के परवान गांव के ही रहने वाले थे। शहीद कर्नल का अपना परिवार बुलंदशहर से करीब 350 किलोमीटर दूर जयपुर में रहता है, जो बेटे की शहादत के बाद शोक में डूबा हुआ है। कर्नल आशुतोष शर्मा के घर में हूँ, आप देख सकते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की बेटी, उसके अलावा वीरांगना उनकी पत्नी पल्लवी जी, भाई और 80 वर्षीय माँ के साथ बहन भी बैठे हुए हैं। ये पूरा परिवार कर्नल आशुतोष शर्मा का, जो कि मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार पिछले लंबे अरसे से इसी जगह पर रह रहा है। इस वक्त परिवार में निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए गम का, हम देख सकते हैं। शहीद कर्नल की पत्नी और बेटी की 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। वो बता रही हैं कि उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा पहले ही हो गया था। मैं फोन कर रही थी यूनिट में, तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं, और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। मेरी फर्स्ट मई को हुई थी, तब 21 RR का 26th रेजिंग डे था, तो मैंने उनको विशेस देने के लिए फ़ोन किया था दिन में अराउंड लंच से पहले। उसके बाद वो चले गए थे अपना ऑपरेशन के लिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के चंगुल में फंसे एक परिवार को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया, उसको कर्नल आशुतोष शर्मा ही लीड कर रहे थे। कर्नल आशुतोष अपने साथियों के बीच टाइगर नाम से चर्चित थे। उन्हें बहादुरी के लिए 2 बार सेना का मेडल भी मिल चुका था। उनके भाई बताते हैं कि फौज को लेकर कर्नल आशुतोष किस कदर जुनूनी थे। उसके एरिया में ऑपरेशंस चलते रहते हैं, काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। वो भी बहुत पैशनेट आर्मी ऑफिसर था, अपनी यूनिट के लिए 21 राष्ट्रीय राइफल के लिए, अपनी ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स 19 गार्ड्स जिस यूनिट से था वो, उसका बहुत फख्र था उसको। तो हमेशा बस बात ही हम लोग आर्मी की करते थे। शहीद के परिवार में पत्नी और बेटी के अलावा 80 साल की माँ, बड़े भाई पीयूष और बहन नूतन भी है। शहीद कर्नल ने 28 अप्रैल की सुबह अपनी माँ के लिए अपने भाई को एक कविता लिखकर भेजी थी, जिसे उनके भाई ने ये कविता हमें पढ़कर सुनाई। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊंगा पंछी की तरह एक दिन, वो इसी उम्मीद में जिंदगी गुजारती रहती। एक टाइगर जो कविताएं लिखता है, कविताएं माँ पर लिखता है, इस कदर लिखता है कि जब चले जाता है तो उन कविताओं को एक बार फिर से याद करके माँ की ही आंखें नहीं भीगती, इस देश की हर माँ की आंखें भीग जाती हैं। हंदवाड़ा एनकाउंटर में एक मेजर अनुज सूद भी शहीद हुए, उनकी दास्तान भी कम दर्दनाक नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले ही शहीद मेजर की शादी हुई थी। वो कल ही छुट्टी पर अपने घर वापस आने वाले थे। देखिए, छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके साथ ये अनहोनी हो गई। उन्होंने देश के नाम शहादत दी। वो जावाज शहीद घर तो लौटेंगे, लेकिन ताबूत में और तिरंगे में लिपटे हुए। तीन मई को उसका फिर फ्रेश डेट थी, छुट्टी थी, आज उसको घर आना था। जिस दिन छुट्टी पर घर आना था, उसी दिन मेजर अनुज सूद की शहादत की खबर घर पहुंची।
हंदवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान जो 5 जवान और अफसर शहीद हुए उनमें पंचकुला के शहीद मेजर अनुज सूद भी थे। जवान बेटे अनुज की शहादत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। लॉकडाउन की वजह से अनुज के घर आने की तारीख एक बार टल चुकी थी, लेकिन जब उनका घर आना तय हुआ उसी दिन उन्होंने देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। इसको छुट्टी 22 मार्च को आना था तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई और आज 3 मई का उसका फिर फ्रेश डेट थी छुट्टी की, तो आज उसको घर आना था, बट लक्ष्मण घर आएगा घर। फौजी किस मिट्टी का बना होता है ये अनुज के पिता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जिन्होंने इस बड़े दुख की घड़ी में भी अपने आंसुओं को पलकों पर ही थाम लिया। अब मेजर अनुज के पिता की सबसे बड़ी फिक्र शहीद की पत्नी और अपनी विधवा बहू को लेकर है। 3-4 महीने पहले ही अनुज की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। वीर सैनिक है जो शहीद होते हैं उनकी बहुएं बेटियां उनको बसाने का भी कोई आंदोलन चलाओ, उससे बड़ा कोई योगदान तो नहीं दे सकता अपना खून बहाने से ज्यादा। मेजर अनुज सूद 31 साल के थे। हंदवाड़ा में उस एनकाउंटर में मेजर अनुज सूद के अलावा फौज के कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। हंदवाड़ा में 5 शहीदों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक जवान भी थे। शहीद लांस नायक दिनेश सिंह सिर्फ 25 साल के थे। देखिए इतनी छोटी सी उम्र और देश के नाम सबसे बड़ी शहादत देखे गए। शहीद दिनेश सिंह हंदवाड़ा में आतंकियों से आखिरी दम तक मुकाबला करते रहे लेकिन शहीद हो गए। शहीद दिनेश अपने परिवार में इकलौता बेटा थे। अपने माता पिता के बुढ़ापे में सहारा बनते लेकिन उससे पहले ही उन्होंने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। बेटे की गम में टूट चुके पिता, बेटे की शहादत पर माँ का क्रंदन इस पहाड़ी गांव के सन्नाटे को भेदते हुए निकलता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जिन शहीदों को आखिरी सलामी दी गई, जिन शहीदों का बलिदान मोमबत्तियां जलाकर याद किया गया उनमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लांस नायक दिनेश सिंह गैरा भी था। अल्मोड़ा जिले के भनोली तहसील के मीर गांव का शहीद लांस नायक दिनेश सिंह सिर्फ 25 साल का ही था और घर का इकलौता बेटा था। ये उनका घर है, ये सामने उनका घर है। घर में 3 भाई बहन में सबसे छोटे दिनेश सिंह थे। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। दिनेश सिंह का अभी तक शादी नहीं हुए थे। उसके पापा खुद आर्मी से रिटायर हैं। गांव में सबका बुरा हाल है, बड़ी दुखद घटना है। शहीद लांस नायक दिनेश 2015 में सेना में भर्ती हुआ था। हंदवाड़ा में आतंकियों से बंधक परिवार को छुड़ाने के ऑपरेशन में उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। भारतीय नौसेना ने कोरोना वॉरियर्स को अपने खास अंदाज में सलामी दी है। देखिए कैसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सलामी देने के लिए खास अंदाज में INS विक्रमादित्य आगे आया। ये तस्वीरें कल आपने देखी होंगी लेकिन आपके लिए खास तौर पर आज हम लेकर आए ताकि आप समझ सके कल किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली। INS विक्रमादित्य के डेक पर कोरोना को मुक्का मारते हुए सांकेतिक तस्वीर बनाई गई। ये तस्वीर भारतीय नौसेना की शान एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य की है। INS विक्रमादित्य ने कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे खड़े योद्धाओं को खास तरह से सलामी दी। जहाज के डेक पर सांकेतिक रूप से लाल रंग की कोरोना वायरस की तस्वीर बनाकर उसे मुक्का यानी पंच मारा गया। कोरोना वायरस को मुक्का मार नौसेना ने कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया। दक्षिण नौसेना कमान के जहाजों ने कोची में जहाज के डेक पर इंडिया सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स लिखकर फ्रंट लाइनर वॉरियर्स को सम्मान दिया और साथ में आतिशबाजी भी की। चेन्नई में मरीना बीच पर लाइट हाउस के पास भारतीय नौसेना ने INS कोमोर्टा को रोशन कर कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया।
मैंगलोर में भारतीय नौसेना ने जहाजों को किया रोशन। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मैंगलोर में भी भारतीय नौसेना ने जहाजों को रोशन किया। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में नौसेना ने अपने जहाज भी रोशन किए। जहाजों से पानी में रोशनी छोड़कर कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान जाहिर किया गया। मुंबई में भी नौसेना ने अपने जहाजों को रोशन किया और देश भर के डॉक्टर्स को खास अंदाज में सम्मान दिया। अगली खबर वायुसेना से जुड़ी हुई। वायुसेना ने कोरोना योद्धाओं को अपने खास अंदाज में सलामी दी है। जी हाँ, कोरोना महामारी के खिलाफ पहले मोर्चे पर लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स पर वायुसेना ने फूल बरसाए और वो तस्वीरें आपने देखी, बहुत खूबसूरत तस्वीरें थे। आसमान से हुए फूलों की बारिश देख डॉक्टर्स ने हाथ हिलाकर वायुसेना का अभिवादन किया। कोरोना योद्धाओं को वायुसेना की सलामी। ये मध्य प्रदेश के चिरायू अस्पताल की तस्वीरें हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ चिरायू अस्पताल के कोरोना योद्धाओं पर वायुसेना ने फूल बरसाए। ये वही अस्पताल है जिसे मध्य प्रदेश में कोविड 19 सेंटर बनाया गया है। कुछ ही दिनों में कई सौ कोरोना मरीजों को ठीक करने के बाद ये अस्पताल चर्चा का विषय भी बना हुआ है। चिरायू अस्पताल के बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर जब भोपाल के एम्स के डॉक्टरों पर फूल बरसाने आया तो डॉक्टरों ने एक साथ हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तस्वीरें मुंबई के जेजे अस्पताल की है जहां भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाए। इसके बाद KEM और कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टरों पर भी फूल बरसाकर वायुसेना ने फ्रंट लाइन पर काम करने वालों का मनोबल बढ़ाया। बिहार के पटना एम्स अस्पताल के डॉक्टरों पर वायुसेना ने फूलों की बारिश की। डॉक्टरों ने बाहर निकलकर वायुसेना का अभिवादन किया। कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे दून अस्पताल और एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों पर वायुसेना ने फूल बरसाए। डॉक्टरों ने बाहर निकलकर वायुसेना का अभिवादन किया। डॉक्टरों पर फूल बरसाने के साथ साथ वायुसेना के फाइटर जेट्स भारतीय संसद के ऊपर से गुजरे। अब ये तस्वीर देखिए, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में तीनों सेनाओं ने जोर शोर से अपना दम दिखाया और इन तस्वीरों ने सभी का दिल जीत लिया। थल सेना ने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम किया। तो देखिए कैसे थल सेना ने बैंड की धुन बजाकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। सेना ने जम्मू में अस्पतालों से लेकर पुलिस थानों में कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के सम्मान में आर्मी बैंड की धुन बजाई। हैदराबाद में भी आर्मी ने बैंड की धुन बजाकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। वहीं लुधियाना में फ्रंट लाइन पर कोरोना महामारी से लड़ रहे योद्धाओं को भारतीय सेना ने सम्मानित किया। कोरोना को लेकर बड़ी और अच्छी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इससे पहले वो कई तरह के दावे कर चुके हैं जिसमें अलग अलग दवाइयों के इस्तेमाल से फायदा हो रहा है कोरोना के पेशेंट्स को, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है वो ये कि इस साल के अंत तक आ जाएगी वैक्सीन। तो देखिए, हमने नमस्ते भारत में ही आपको दिखाया था कि अमेरिका में दो जगह ह्यूमन ट्रायल जो है वैक्सीन का शुरू हो चुका है। इसी ह्यूमन ट्रायल के बाद जो आखिरी चरण होगा दिसंबर और जनवरी तक हो सकता है। और वही बात आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि अमेरिका ने वैक्सीन साल के अंत तक बना लेगा।
तो बहुत बड़ा दावा और जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छा दावा ही निकल जाए अगर ये मुमकिन हो जाए। और देखिए सामने आज की सबसे बड़ी खबर सुबह 7 बजे की पटना से निधि श्री झा आपको दिखाई दे रही है लाइव, क्योंकि उन्हीं की स्पेशल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पटना आप संघर्ष करो, निधि श्री आपके साथ है। देखिए आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। इस बीच प्रवासी श्रमिकों को वापस आने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में इन श्रमिकों की परेशानी और दर्द जानने की कोशिश की है हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी निधि श्री झा ने। निधि श्री की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। न्यूज ने ट्रेन से आए तमाम मजदूरों से बात की है, उनका दर्द जाना है। हालांकि आप अपनी कहानी बताते वक्त मजदूरों के इस बात की खुशी भी थी कि अब वो अपने घर लौट आए। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या वो दोबारा कमाने के लिए राजस्थान या फिर उन राज्यों में जाना चाहेंगे जहां से वो आए हैं। ज्यादातर मजदूरों का जवाब था ना। मजदूरों का कहना था कि दो वक्त की रोटी मिले तो वो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में ही रहना पसंद करेंगे। देखिए पटना आप संघर्ष करो, निधि श्री आपके साथ है। जयपुर से चली श्रमिक स्पेशल पटना के दानापुर जंक्शन पहुंच चुकी है। लगभग 14 घंटे की ये ट्रेन की यात्रा थी और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, पटना के दानापुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ये ट्रेन अभी अभी पहुंची है। कुल संख्या मजदूरों की इसमें 1174 है, जैसा कि पटना के डीएम बता रहे थे। हालांकि अभी तक वो तमाम जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं या जो फंसे हुए लोग हैं, वो प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरे हैं, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे करके यहाँ ट्रैक पर जो है आ रही है। और तमाम आप पुलिस अफसर को देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, रेलवे के भी पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ तैनात है, रेलवे कर्मी। और तस्वीर देखिए कि ये ट्रेन जैसे जैसे आ रही है उसी तरीके से रेलवे बल यहाँ बढ़ा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि किसी तरीके से अफरा तफरी नहीं हो, लोगों को इंतजार था कि वो जो जहाँ फंसे हुए लॉकडाउन में अपने घर सही सलामत पहुंच जाए। और ये मैं कहूँगी उम्मीद की ट्रेन है। उम्मीद की ट्रेन इसलिए क्योंकि लगातार पिछले 41 दिनों से लोग जो परेशान थे, बेचैन थे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ और उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता चला गया। बिहार के दानापुर स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही इसमें से एक एक कर बोगियां खोलकर श्रमिकों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। ट्रेन में जो 1200 के करीब श्रमिक पहुंचे हैं, उनमें से ज्यादातर राजस्थान के मकराना से आए हैं। पहले बस से जयपुर पहुंचे और फिर जयपुर से ट्रेन से यहां तक पहुंचे हैं। कुछ मजदूरों के परिवार भी साथ में है। लॉकडाउन के दौरान 40 दिन हुई दिक्कतों को अब ये याद नहीं करना चाहते। कितने दिन से इंतजार कर रही थी वहाँ? जब से लॉकडाउन हुआ। बॉडी में सर क्या कपड़े हैं? कपड़े हैं सर। कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर से। अभी खुशी हो रही है घर जाने की? हाँ खुशी तो हो रही है सर। बहुत परेशानी बहुत। काम धंधा नहीं चल रहा था, मजबूरी था, इसलिए आना पड़ा। कभी कभी राशन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कौन देता था राशन? वही गाँव वाला देता था। पैसे तो बिल्कुल खत्म, वहाँ पर भी मकराना हम लोग को खर्चा पानी नहीं दे रहा, तब ने वहाँ से दरखास्त लिख के दिया ऑफिस में। दानापुर स्टेशन पर पटना का पूरा सरकारी अमला डटा हुआ है। खुद पटना के डीएम कुमार रवि भी स्टेशन पर है और मजदूरों को दानापुर स्टेशन से बसों के जरिए उनके घरों को भेजने की तैयारियों को देख रहे हैं। मजदूरों को घर भेजे जाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई, जिससे कोई संक्रमित व्यक्ति सीधे अपने गांव न पहुंच जाए। यहां पर प्रशासन के द्वारा उनके आगमन के उपरांत जो की जाने वाली कार्रवाई है उसकी पूरी तैयारी की गई है। जो लोग भी यहां पर आएंगे उन सभी को यहाँ पर रेलवे स्कूल में मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। बसेस भी बिल्कुल तैयार अवस्था में हैं और सभी बसेस को सैनिटाइज भी किया गया है। उसके उपरांत वो अपने बसेस के माध्यम से संबंधित जिलों में जा सकते हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 500 के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में अब बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी कि दूसरे राज्यों से मजदूरों के पलायन से संक्रमण ना फैले, जिसके लिए इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था की जा रही है। जो भी रेड जोन है या कंटेनमेंट जोन है, जो जो हम लोग का हॉटस्पॉट एरिया है, उन सभी स्थानों पर कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया गया है। इन लोग के जो क्वारंटीन सेंटर हैं रूरल एरियाज में मोस्टली बनाए गए हैं, वहां पर अभी इस तरह के कोई केसेस नहीं है और वहां पर इस तरह से इनको क्वारंटीन करके 21 दिनों के लिए रखा जाएगा ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के अपने घरों पर पहुंचे। और जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें भी सारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए तैयारियां की गई हैं और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। राजस्थान कमाने गए ज्यादातर मजदूर खाली हाथ लौटे हैं। जो कमाया था एक महीने में वही खर्च हो गया।
10 दिन किसी तरह लोगों की मदद से गुजारा किया। इन मजदूरों की अभी भी उम्मीद बाकी है कि एक बार हाल सुधरेगा तो ये फिर रोजगार के लिए राजस्थान जाएंगे। बैग लेकर आए जी, जाएंगे वापस? जाएंगे। जाएंगे क्यों? वहाँ जरूरी है, कमाना जरूरी, जरूरी कहाँ गए थे जयपुर कमाने के लिए, जैसे गए वैसे लॉकडाउन लग गया और पब्लिक खाना देने लगा, एक टाइम का खाना दो टाइम खाना खा रहे थे, फिर पैसे खत्म हो गया, घर से पैसा मांगे, हम लोग रोजी रोटी चला रहे थे। राजस्थान से लौटे काफी मजदूर ऐसे हैं जो अपना सारा सामान समेट कर वापस आ गए हैं, यानी उन्होंने मन बना लिया है अब चाहे जो हो जाए वापस नहीं जाएंगे, जैसा भी होगा अपने गांव शहर में रहकर छोटा मोटा रोजगार कर लेंगे, कम से कम यहां रहेंगे तो भूखो मरने की नौबत तो नहीं आएगी। जयपुर अगर आपको अभी नौकरी करने के लिए बोला जाए ऐसी स्थिति? अभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? आप जाएंगे? जी नहीं, जब हम लोग का घर बिहार में ही मिल जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे जाके? सही बात। आप? नहीं जाएंगे हम। नहीं 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 जाएंगे। नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, गांव दिक्कत है, तो दिक्कत तो अपना गांव छोड़ के जाता है तो सभी को दिक्कत होते ना सब, तो कौन सोचते हैं कि अपना गांव छोड़ के जाए। आपका क्या नाम है बच्चे? सोनू। पापा के साथ है? वहाँ पापा के साथ क्या काम करते थे? नहीं, पढ़ाई, पढ़ाई करने। इतना छोटा सा बैग है, मम्मी कहाँ है आपकी? गाँव है। गाँव में इतने दिन से 41 दिन से बिना मम्मी के थे वहाँ पर? हाँ। तो अभी अच्छा लग रहा है घर जाने में? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनू। सवाल उठता है कि यूपी बिहार जैसे राज्यों के नौजवान आखिर क्यों रोजी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं? अगर मैं इन सबसे सवाल करूँ, सिर्फ एक सवाल, कि अब जब ये बिहार आ गए हैं क्या इनको वापस जाने का मौका मिले तो ये जाना पसंद करेगी जयपुर? सिर्फ एक सवाल, आप जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएंगे। और नहीं जाएंगे? और इधर काम मिलेगा तो ये इधर करेंगे, और नहीं, हाँ हाँ काम जरूरी है, काम यहाँ पर मिल जाएगा तो बाहर जाने का कौन फायदा है? सही बात है, काम जरूरी है सर, मजबूरी है इसलिए जयपुर। हर सुविधा मिल जाए तो हम लोग बाहर क्यों जाए, अपना देश में ही थोड़ी बहुत कमा के खुश तो रह सकते हैं, वहाँ भूखे तो नहीं। सरकार सुविधा कर देगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ तेल नमक तो कमी पड़ ही जाता है, क्या करो। ठीक है, आप जाना पसंद करेंगे जयपुर? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम लोग, अगर सरकार यहाँ सुविधा देंगे पूरा तो नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बिहार के 27 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, क्या बिहार सरकार इन्हें अपने यहाँ ही रोजगार दिला पाएगी? लेकिन इससे पहले एक बड़ी चुनौती इस बात की भी है कि सरकार बिहार को कोरोना के खतरे से बचा पाए। एक एक करके ये जो लाइन में लोग लगे हुए हैं, सभी सबके हाथ में बैग है और सभी जो है वो आगे क्वारंटीन सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, और साथ साथ ये उम्मीद भी है कि अब अपने लोगों से, अपने परिवार से ये मिल सकेंगे, एक सुकून की जिंदगी कुछ दिनों तक तो जी पाएंगे, कम से कम इनको हर दिन इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि ये आज शाम खाएंगे क्या, अगले दिन कमाएंगे क्या, इस बात की चिंता छोड़कर ये कुछ दिन अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, और इस तसल्ली के साथ ये सभी लोग जो है वो ट्रेन से आज बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं, और सबके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ इस बात की खुशी है कि अब वो अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच वापस जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज पटना। देखा आपने निदेशक की रिपोर्ट, इसमें भविष्य की उम्मीदें, आज की कहानी, कल की कहानी, सब कुछ शामिल था, और हमारे साथ निधि श्री पट्टा से जुड़ी हुई है। निधि, 27 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं बिहार वापसी के लिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ इतने पर्याप्त इंतजाम हैं कि इतने लाखों लोग जब वहाँ पहुंचेंगे तो उनकी जाँच और क्वारंटीन सेंटर्स वो सब अभी प्रशासन ने तैयारी कर ली है इतनी बड़े इंतजामों की? देखिए, किसी भी राज्य में प्रशासन ये कभी नहीं कहेगी विकास की हमारा जो इंतज़ाम है वो पुख्ता नहीं है। बिहार सरकार भी यही दावा कर रही है कि सभी जगह क्वारंटीन सेंटर जो है वो वहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन जैसे अररिया है या सुपौल है, वहाँ के क्वारंटीन सेंटर से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं कि जो मजदूर बाहर से आए हैं उनका कहना है कि मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा है और वो रहेंगे कैसे, खाने पीने के लिए भी उनको सही से नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके की शिकायतें आई हैं। लेकिन वही सवाल है कि 27 लाख से ज्यादा मजदूर हैं जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अभी तक, वो आएंगे बिहार तो उनका इंतजाम कैसे कि? सबसे पहले तो बिहार सरकार को इस चुनौती से निपटना है कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो नहीं फैले, क्योंकि पिछले बार जो लोग आए थे पटना पुणे ट्रेन से, जो मजदूर आए थे, शुरू में लगा कि मजदूरों से संक्रमण नहीं होगा, जो पैदल चल के आए उनसे नहीं होगा, लेकिन कई केसेस आए हैं, कई ऐसे जिले जहां पर पहला मामला ऐसा आया है मजदूर से संक्रमण का, तो ये एक बड़ी चुनौती है, उसके बाद रोजगार को लेकर सरकार सोचेगी। निधि, बहुत शुक्रिया आपका, और रहुआ भी ख्याल रखी ग्राउंड जीरो पर, मुश्किल हालात बा, स्वास्थ्य ठीक बानू।
दीदी को उम्मीद नहीं थी कुमकुम की, तो भोजपुरी में बात दीदी स्वास्थ्य स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा अपना, ग्राउंड जीरो पर उतर कर रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। रेड जोन में सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। पटना रेड जोन में है, बावजूद इसके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। दानापुर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह सुबह मंडी में सब्जी खरीदने और बेचने वालों की भीड़ है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। संवाददाता निधिश्री की खतरे का अलार्म बजाती ये रिपोर्ट देखी। संक्रमण का खतरा बरकरार है और इसीलिए आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। बिहार में राजधानी पटना में मैं मौजूद हूँ और रेड जोन में आता है, लेकिन रेड जोन में होने के बावजूद लापरवाही की किस तरह तस्वीरें नजर आ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ पटना के दानापुर सब्जी मंडी से, जहाँ पर तमाम लोगों को आप देख सकते हैं और ये सभी सब्जियां खरीदने और सब्जियां बेचने आए हैं। आपको इस तस्वीर में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रहा होगा और ये तस्वीर अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार इसी की बात की जा रही है कि लोग दूरी बनाए रखें, सब्जी खरीदें या कोई भी काम के लिए अगर बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान जरूर रखें। लेकिन आप देखिए कि कैमरे के जरिए जहां भी आपकी नजर जा रही होगी, आसपास में सब्जियां खरीदने वाले जो आए हैं, किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। बिहार सरकार की संस्था जीविका के साथ काम कर रही करीब 1 करोड़ दीदियां इन दिनों कोरोना योद्धा बनी हुई हैं। जी हाँ, कभी सरकारी योजनाओं को घर घर में पहुंचाने में योगदान देने वाली इन दीदियों से, जो ये दीदियां हैं, महामारी में डटकर काम कर रही है। देखिए इनका काम रंग भी ला रहा है। ये लोग बैंकिंग जरूरतों से लेकर मरीजों को खाना पहुंचाने तक का काम कर रही है, साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके भी समझा रही है। बिहार के वैशाली जिले का ये CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट है, जहां पर जीविका दीदी स्वाइप मशीन के जरिए बैंक ग्राहकों को पैसा निकालने जमा करने से लेकर वो तमाम सुविधाएं दे रही है जिसके लिए ग्राहकों को बैंक में घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। वैशाली जिले में इस तरह के 65 CSP बनाए गए हैं, जिनमें जीविका दीदी कोरोना काल में अपनी सेवाएं इसलिए दे रही हैं जिससे कि बैंक में ज्यादा भीड़ न लगे। बैंक में तो ज्यादा काफी भीड़ हो जा रही है, तो कस्टमर लोग अपना सुविधा के लिए यहाँ पे आ जा रहे हैं और उनको सुविधा मिल रही है यहाँ पे, जब चाहे तब पैसा यहाँ से मतलब ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। इतना ही नहीं, जीविका दीदी वैशाली जिले के सदर अस्पताल में मरीजों और क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए खाना तैयार करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। COVID-19 के संक्रमण के दौरान साफ सफाई का विशेष ख्याल रखते हुए ये सभी दीदियां मास्क लगाकर और बालों को ढककर ही खाना बनाती हैं। कोरोना की वजह से आए संकट के दौरान ये लोग बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के काम कर रही हैं। 4 वर्कर में है कि हम अभी 12 बजे के लंच में पेशेंट को दाल चावल दही सब्जी सब किए हैं, और साफ सुथरा इसलिए है कि पेशेंट अभी बीमारी की बहुत नजदीक है और ये हालात अवस्था में साफ सफाई ये सब देखते हुए हम लोगों को अपने देह की भी सेफ्टी और साफ सफाई के साथ ही हम लोग खाना ये करते हैं। आमतौर पर जीविका संगठन की इन महिला कार्यकर्ताओं का काम राष्ट्रीय योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की होती है, लेकिन जब देश पर संकट है तो ये फ्रंट लाइन पर आकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीविका लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के साथ गांव में काम कर रही हैं, और हम लोगों ने अलग अलग केडर्स तैयार किए हैं जो कि महिलाएं ही हैं, और वो कहीं बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो कहीं अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रही हैं। इन दिनों उनका जो काम है वो बहुत ज़रूरी है, अहम हो गया है, और अहम काम करने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी एक संदेश दे रही हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधिश्री, EBP न्यूज पटना। अब आपके उस पसंदीदा सेगमेंट का वक्त हो गया है जहां पर रेडियो और टीवी का मिलन होता है। आरजी जस्सी आज हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। जस्सी, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, नमस्ते भारत से। सब तो पहला चंडीगढ़ हुने आशिकी तो कर नहीं पा रहा क्योंकि लॉकडाउन है गए, तो किंज जगा रहे हो लोगों हुने? देखो असि एक गल कहने होंगे कि देखो चढ़ती सवेर आ गई एक बारी फिर,
चढ़दी सवेर आ गई एक बारी फेर जिथे गल दिलों कढ़ांगे ते बाकी रब ते छड़ांगे। यानी कि दिल से बात निकालनी है आपने, जो भी बात निकालनी है, तो दिल से बात निकालने का वक्त अक्सर हमें शाम को मिलता है, लेकिन आप लोगों ने हमें मॉर्निंग में दिया है। और आज तो खैर चंडीगढ़ में काफी टाइम को छूट मिली है, तो लोग भरे बैठे थे कि भैया कब हमें मौका मिलेगा बाहर जाने का, कुछ खरीदारी करनी है, जो भी करनी है। तो दुकानें खुलने का सिलसिला चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, तो मैं वैसे अभी सोच ही रहा था कि ऐसे भरे बैठे थे जैसे गुलेल में पीछे करते हैं ना, गुलेल को टाइट करके रखते हैं कि भाई अब हमें छोड़ दो, गुलेल के बाद वो छोटी चीज छोड़ी जाती है। यार रेड लाइट पे कोई बंदा खड़ा होता है तो जब काउंटिंग जो कम होती है 5, 4, 3, 2 तो 5 पे ही लोग स्कूटर गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी 10 बजे ओपनिंग होगी, यानी कि चंडीगढ़ में लोग खरीद बाहर जा सकेंगे, तो अभी से वो तैयार बैठे हैं 8-9 बजे, यानी कि वो काउंटिंग पे ही 5 पे ही तैयार बैठे हैं जैसे रेड लाइट पे बैठे होते हैं। जैसे जब ये गुलेल छूटेगी तो ये कहां जाके रुकेगी? देखिए बात ऐसी है कि ये जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है कि भाई इस बात का तो ख्याल रखें, यही हम अपने शो में भी बात करते हैं। हमारे शो का नाम जैसे कैरी ऑन चंडीगढ़ है, तो हम भी यही बात करते हैं कि लाइफ को कैरी ऑन रखना है, लेकिन बहुत सारी ख्याल के साथ, ध्यान के साथ। जैसे मैंने अभी भी ये सोच रहा था जब आपसे बात होनी थी उससे पहले, कि जैसे हर रात के बाद सुबह का आलम आता है, तो ये एक पैगाम लेकर आता है कि जैसे दुख के बाद सुख आएगा। अरे ये कोरोना का चैलेंजिंग पीरियड है, ये भी गुजर जाएगा, जब गुजरेगा तो क्यों ना स्माइल के साथ गुजारा जाए, गुजरना तो है ही है, तो स्माइल जरूरी है चेहरे पे, यही हमारे शो की बात होती है। और हम साडे पंजाबी च कहंदे हुंदे आ कि जरा दिल चो कड गुमान, थोड़ी चेहरे ते मुस्कान, थोड़ी हड्डां दे विच जान, एबीपी के थ्रू आपां देना है ये पैगाम। यानी कि पैगाम है पॉजिटिविटी दा, ते अगर तुसी तुहानू छूट मिली भी है तां भी बढ़िया चीजां तुसी जैसे ये बताइए आपको बताऊं कि जैसे पॉजिटिविटी नमस्ते भारत के थ्रू भी पहुंचती है लोगों तक। बहुत शुक्रिया आपका जस्सी, आप नमस्ते भारत देखते हैं, कितनी अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन दुनिया भर की गुलेल छूट रही है, आपने बता दिया आपकी छूटेगी, तो पहला काम कौन सा करने वाले हैं घर से बाहर निकलकर? यस, देखिए मैं अभी तो वैसे मैं फिटनेस का थोड़ा ज्यादा, मेरे को तो ये था कि भी जिम खुलेंगे, लेकिन जिम नहीं खुल रहे हैं, लेकिन खुलने भी नहीं चाहिए अभी क्योंकि वहां पे गैदरिंग ज्यादा हो जाती है। मेरे को तो एक्सरसाइज का ज्यादा शौक है, क्योंकि 21 दिन लेट्स विन ये चैलेंज भी माय एफएम पर हमने शुरू किया था, तो यही है कि फिटनेस का, लेकिन मुझे ये कि मैं थोड़ा सा ग्राउंड में रनिंग जरूर करके आऊं। जी जस्सी, मैनू लगता तुसी मैसेज देंदे रहो कि चंडीगढ़ वाले दा तो मोटो है ना, जिंदगी च स्टाइल दी ते चेहरे ते स्माइल दी कमी नहीं होनी चाहिए, वही होना चाहिए इस वक्त बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जस्सी, आपने भी हमारे दिन को बहुत खूबसूरत बनाया, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा मुलाकात हो। देखिए सेगमेंट की खासियत ये कि जब भी हमारे साथ कोई पंजाबी आरजे होता है ना, हमारी एंकर आदि यही खूबसूरती है नमस्ते भारत की, इस मिट्टी की खुशबू को हम भागते हैं। इन सब के बीच एक्टर सलमान खान ने दान दिया और मुसीबत को गले लगा ली। तो आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों हुआ? अचानक लॉकडाउन से पनवेल के फार्म हाउस में फंसे हुए सलमान खान मुश्किल में भी लोगों की मदद पर उन्होंने एक गलती कर दी। यही गलती सुर्खियां बन गई। सलमान खान अपनी गलती के लिए सबूत खुद दे रहे हैं। क्या है गलती और क्या हो सकता है अंजाम, देखिए रिपोर्ट देखिए। फार्म हाउस में रहने के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान कई बार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इस रविवार भी उनके फार्म हाउस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि सलमान अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर राशन और खाने पीने की जरूरी सामान को पास खड़ी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जरूरतमंदों के लिए राशन दान करने वाले सलमान और उनके परिवार में से किसी ने ना तो मास्क पहना है और ना ही हाथों में ग्लव्स। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई खास पालन होता नजर नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले सलमान खान एक वीडियो शेयर कर लोगों से घरों में रहने और मास्क पहनने की अपील करते दिखे थे, लेकिन आज इस वीडियो में हाथ जोड़कर शुक्रिया कह रहे सलमान के हाथों में ना तो ग्लव्स हैं और ना ही चेहरे पर मास्क।
यही हाल उनके साथ मदद कर रहे परिवार वालों और दोस्तों का है, जिनमें से कोई भी लॉकडाउन के नियमों को नहीं मान रहा। ये बड़ा सीरियस मामला है, ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। अब सवाल ये उठ रहा है कि सबको लॉकडाउन का पाठ पढ़ाने वाले सलमान आज खुद ही इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? सीने लिए चलते हैं आपको, दिव्या दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं मुंबई से। दिव्या अपने घर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। दिव्या, मॉर्निंग प्राइम टाइम के नंबर वन शो में आपका बहुत स्वागत। और शुरुआत में आपकी मुस्कान मिल गई तो और क्या चाहिए हमें। जो वायरल है कविता, गुड मॉर्निंग, कुछ गुनगुना दीजिए जी। जी, आपकी कविता जो वायरल है दिव्या, मैं चाहती हूँ दर्शकों को पहले हम वो सुनाएं, फिर आपके पास आएंगे। जी जरूर, मैं सुनाती हूँ। ये लॉकडाउन के दौरान कुछ एहसास हुए थे जो मुझे लगा कि ये जब खत्म होगा तो ये कुछ चीजें हमें अपने जहन में बांध लेनी चाहिए और ये करते रहना चाहिए। तो इस पर एक कविता लिखी थी जिसे बहुत सारा प्यार मिला, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे, वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक धमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताजा करना, वो टी शर्ट पजामे में आर डी बर्मन सुनते हुए एक साथ सफाइयां करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो हर छोटी चीज समेट रहे हैं घर की, अब जब बाई आएगी तो इस बार सब सफाई उस पर नहीं छोड़ेंगे, एक मदद का हाथ देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भरते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो नीचे चौकीदार भैया हैं, उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये करते रहेंगे। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं को पानी देना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। जो गलत कर दिया था हमने उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत दिव्या, मतलब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दिव्या आपकी कविता में जो छुपा हुआ है। हमने वो सारी चीजें जो भागदौड़ में मिस कर दी थी वो लॉकडाउन में हमें वापस भी मिल गई हैं, लेकिन वी ऑलवेज लुक ऑन द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड पर हम लोग हमेशा देखते हैं। दिव्या, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बतौर सेलिब्रिटी आप लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, इस टाइम पर आपकी जिंदगी एक मैसेज बन रही है उन तमाम लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि वो घर में बंद हो गए हैं, आप लोग किस तरीके से समय व्यतीत कर रहे हैं और लॉकडाउन खुलने पर पहली चीज जो आप करना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है हम भी नॉर्मल लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम एक्सट्रोवर्ट्स हैं, हमारे भी अच्छे और बुरे दिन होते हैं, कभी मन करता है कि बाहर जाएं नॉर्मल जिंदगी लें, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो करनी है। और उसमें यही कर सकते हैं कि जो आप खुशी से घर पर टाइम बिताएंगे वो बेस्ट बीतेगा, तो वो चीज़ें करें जो शायद आपको लॉकडाउन के बाद करने को मौका नहीं मिलेगा। सो ये फैमिली टाइम हो, अगर आप अकेले हैं तो खुद की कंपनी एंजॉय करें, वो शौक पूरे करें जो शायद आपको इतनी भागदौड़ में शायद मिलेगा ही नहीं वक्त करने का। तो अभी आप देखेंगे ये जो चीजें हम बाहर अगर देखें, इतनी चिड़ियां, इतने स्पैरोज, इतने पैरट्स मैंने आज तक नहीं देखे जितने अब देख लिए हैं। तो इनको हम अगर रख सकें इसी तरह से, को एग्जिस्ट कर सकें इनके साथ, मुझे लगता है वो सबसे खूबसूरत बात होगी। लॉकडाउन के बाद मेरा सबसे पहले ये जो मेरी पेट है सखी, छोटा सा मेरा डॉगी है, इसके साथ में बाहर हमारे घर के बाहर बीच है, वहां पर एक राउंड लेना चाहूंगी। ये सोचती है क्या हो गया, हम लोग बीच क्यों नहीं जाते, तो कुछ नॉर्मल जिंदगियों की इंतजार इसको भी बताना कि जिंदगी दोबारा नॉर्मल जरूर होने वाली है, और अपने मित्रों से मिलना कुछ। जी
जी दिव्या, ऐसी क्या बात हुई जो आपने इतनी सुंदर कविता लिख डाली? कोई कहानी होगी जरूर इसके पीछे, वो कहानी हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं जरूर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं अपनी अगली किताब लिख रही हूँ, और कई बार जहन में ऐसा होता है कि आप पेन पकड़ते हैं या अपना लैपटॉप बैठ जाते हैं, लेकिन काम होता नहीं है, क्योंकि कई बार फ्रेम ऑफ माइंड इतना आसान नहीं होता। तो एक दिन मैं इसी तरह से सखी को घुमा रही थी नीचे, और मुझे ख्याल आया कि यार, ये जो हम इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं, ज्यादा हमारी एक दूसरे की मदद कर देते हैं, या ये जो चीजें हैं हम बाद में करेंगे क्या? और तो फिर सडनली जहन में ये पहली लाइन आई कि जब सब ठीक होगा तो ये तो करते रहेंगे। ये खुद से प्रॉमिस है, और एक यूनिवर्स से प्रॉमिस है, एनवायरमेंट से प्रॉमिस है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ख्याल आया कि कौन कौन सी चीजें जो मैं तो जरूर करती रहूंगी, तो फिर मैंने उन्हें जॉट डाउन कर दिया और वो एकदम निकल गया। तो जो एकदम जहन में बैठा होता है वो फट से निकल जाता है। थैंकफुली उसके बाद मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी। दिव्या, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। मुझे वक्त एक ब्रेक का है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि वो एक सीख लॉकडाउन की जो हमेशा आपके साथ रहेगी, वक्त कम है मेरे पास, अगर जल्दी से बता पाए तो, कोई एक सीख जो लॉकडाउन के बाद हमेशा आपकी आदत बन चुकी है। अपने आप पर निर्भर रहने की आदत बन चुकी है, और उसे बरकरार रखना चाहूंगी, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करूंगी। अपना खुद काम कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत प्यारी सीख है, इमोशनली फिजिकली हर चीज में, तो वो मैंने इस लॉकडाउन से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो बातें कही, जो कविता सुनाई, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में पॉजिटिविटी का संचार होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, डिपेंडेंट ही रह गए, बिल्कुल सारे काम खुद करने लगे, और यही बात दिव्या भी बता रही थी, यही सोचते सोचते उन्होंने कविता लिख दी। देखिए, जो अदाकारा होता है, अदाकार होता है, परिपक्व जब होता है तो उसकी आंखें, उसकी जुबान बिल्कुल एक भाषा बोलती। दिव्या की चेहरे पर वो सच्चाई दिख रही थी, गहराई दिख रही थी। जिन लोगों पर जिम्मेदारी है देश को, समाज को सही रास्ता दिखाने की, वो देखिए क्या कर रहे हैं। आपातकाल में मंत्री जी जानलेवा झूठ बोल रहे हैं, और यही खबर है हमारी। आज से लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। लॉकडाउन का असली मकसद सामाजिक दूरी का पालन कराना है, ताकि 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 कोरोना को हराया जा सके। लेकिन झारखंड के मंत्री से जुड़े एक वीडियो ने जो कुछ दिखा दिया, वो मंत्री जी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे कि इस वीडियो में आखिरकार है क्या, क्यों इस वीडियो के आधार पर मंत्री जी सवालों के घेरे में आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। झारखंड सरकार में आरजेडी के कोटे से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का 2 मई को जन्मदिन था। दावा है कि ये वीडियो लॉकडाउन के बीच मनाए गए उनके जन्मदिन का है। वीडियो भी बना लीजिएगा, लाल देवे काट काट के, वीडियो भी हम बना रहे हैं। वीडियो में सत्यानंद भोक्ता नजर आ रहे हैं, साथ में उनके कुछ शुभचिंतक हैं जो मास्क पहने दिख रहे हैं, जबकि कुछ लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। वीडियो के आधार पर मंत्री जी और उनके शुभचिंतकों पर सामाजिक दूरी का नियम तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने मंत्री जी से वीडियो को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि जन्मदिन का वीडियो पिछले साल का है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या मई 2019 में किसी के जन्मदिन में जाने के लिए मास्क पहनना जरूरी था? यही सवाल हमने मंत्री जी से पूछा तो जवाब आया कि मेरी छवि खराब करने के लिए वीडियो से छेड़छाड़ की गई होगी। मगर मंत्री सत्यानंद भोक्ता का ये जवाब विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। सत्यानंद भोक्ता जी के जन्मदिन पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियां भी उड़ती नजर आती हैं, और इसके अतिरिक्त मंत्री जी ने खुद मास्क भी नहीं पहना है, और पूछे जाने पर वो कहते हैं कि ये पिछले साल का वीडियो है, तो ये झूठ बोलने की हद होती है। पिछले साल के वीडियो में लोग और सुरक्षा कर्मी मास्क क्यों लगाए रहेंगे, ये समझ से परे है। सत्यानंद भोक्ता ने ना तो इस वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं, ना ही पार्टी में अपनी मौजूदगी पर। ऐसे में लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले इस कथित वीडियो का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा।